और बालोतरा का रुख करेंगे, जहां का सियासी पारा लगातार हाई है। रविंद्र सिंह भाटी को धमकी मिली है। निर्दलीय उम्मीदवार रविंद्र सिंह भाटी वहां से हैं। आपको बता दें कि भाटी को भी सोशल मीडिया पर ही धमकी मिली है। धमकी में नाम लिखा हुआ है रोहित गोदारा। रविंद्र सिंह भाटी को सुधर जाने की धमकी मिली, तो बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता रहे हैं। आपने देखा कि हरीश चौधरी को भी धमकी मिली सोशल मीडिया के जरिए, और अब खबर रविंद्र सिंह भाटी को भी लेकर मिल रही है। बालोतरा से खबर है कि रविंद्र सिंह भाटी को, जो कि निर्दलीय उम्मीदवार हैं, सोशल मीडिया पर धमकी मिली। और बड़ी बात यह कि धमकी में रोहित गोदारा का नाम लिखा हुआ है। रविंद्र सिंह भाटी को इस धमकी में कहा गया है कि सुधर जाए, नहीं तो अंजाम भुगतने के लिए तैयार है। वहीं सिरोही में गुजरात एटीएस की टीम और जोधपुर एनसीबी की टीम ने संयुक्त रूप से कार्रवाई को अंजाम दिया है। टीम ने एमडीएम ड्रग्स बनाने की एक फैक्ट्री पर छापेमारी की, और इस दौरान बताया जा रहा है कि टीम ने 50 करोड़ की ड्रग्स के साथ दो आरोपियों को हिरासत में लिया। यह फैक्ट्री लंबे समय से चल रही थी। ड्रग्स गुजरात और राजस्थान के शहरों में सप्लाई किया जाता था, और इससे तस्करी में आपको बता दें कि कई लोग जुड़े होने की आशंका भी है। इस कार्रवाई के बाद भी अब जांच में कई चौंकाने वाले खुलासे हो सकते हैं। तो 50 करोड़ एमडीएमए ड्रग्स बरामद की गई है, और जिसके बाद इस कार्रवाई को और तेज कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि जिन दो आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, हिरासत में लिया गया, उनसे पूछताछ की जाएगी, और संभावना ये जताई जा रही है कि इस पूरे मामले को लेकर के बड़े खुलासे हो सकते हैं। जो कार्रवाई की है गुजरात एटीएस ने की है, ऐसी जानकारी सामने निकल कर आ पा रही है। तस्वीरें भी लगातार हम आपको आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। 50 करोड़ की एमडीएमए ड्रग्स बरामद की गई। गुजरात एटीएस और एनसीबी जोधपुर ने ये बड़ा पर्दाफाश किया, बड़ी कार्रवाई की, और माना जा रहा है कि पूछताछ के साथ अब और भी बड़े खुलासे हो सकते हैं। इस मामले में दो आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है। जो ड्रग्स बरामद की गई है उसकी कीमत 50 करोड़ के लगभग बताई जा रही है। ये वही लैब जहां से ड्रग्स बरामद हुई। एटीएस की टीम व जोधपुर एनसीबी की टीम ने संयुक्त कार्रवाई के रूप में एक ड्रग्स बनाने की अवैध फैक्ट्री को जो है छापेमारी की है। कैलाश नगर के लोटीवाड़ा गांव में एक खेत पर जो है ये फैक्ट्री आई हुई थी, और इस पर जो है दो आरोपी जो है मौके से पकड़े हैं, और मेथ ड्रग्स जो है यहां पर जो है भारी मात्रा में पकड़ी गई है, जिसकी बाजार की अनुमानित कीमत जो है 50 करोड़ बताई जा रही है। मौके से दो आरोपियों को डिटेन किया गया है, और इनसे जो आगे जिस प्रकार जो सप्लाई की जा रही थी उसको लेकर जो है कई जांच अभी की जा रही है। ये कार्रवाई के बाद पूरे शहर में हलचल जो मच चुकी है, लेकिन इस मामले में आपको बता दें कि यह जो ड्रग्स सप्लायर जो है यहाँ राजस्थान व गुजरात के कई जिलों में जाकर जो इसकी सप्लाई को अंजाम देते थे, लेकिन इसका सरगना अभी भी जो है पकड़ में नहीं आया है। पुलिस जगह जगह अभी दबिश दे रही है, और एटीएस की कार्रवाई के बाद में पुलिस महकमा भी जो है अलर्ट मोड पर दिखता हुआ नजर आ रहा है। कैमरा पर्सन के साथ में न्यूज 18 के लिए प्रतीक सोलंकी, सिरोही राजस्थान। भले ही प्रदेश में लोकसभा चुनाव की गर्माहट कुछ कम हो गई हो, लेकिन बीकानेर की वर्षों पुरानी रेलवे फाटक की समस्या को लेकर मनु क्या है? एक बार फिर कांग्रेस और बीजेपी में सियासी बवाल मच गया है। दरअसल ये किस तरह की रिपोर्ट है, इसमें क्या बवाल की वजह रही, ये जरा देखिए। रेल फाटक बंद होते ही थम जाता है शहर। कई समय पर नहीं पहुंच पाते दफ्तर, तो किसी की परीक्षा जाती है छूट। एम्बुलेंस में सांसों की डोर जाती है टूट। 4 दशक से हो रहा इंतजार, बीकानेर की सुध लो सरकार। दिन का वक्त, रोजी रोटी की आपाधापी, तभी ट्रेन की आमद की इत्तला पर रेल फाटक बंद हो जाता है। आप कहेंगे ये भला कौन सी समस्या है, हर आदमी को इस समस्या से दो चार होना ही पड़ता है, लेकिन यहाँ बात इतनी भर नहीं है। जी हाँ, बीकानेर में रेल फाटक ऐसी समस्या बनी हुई है जो पिछले 40 सालों से भी ज्यादा वक्त से चली आ रही है। 40 सालों से इसीलिए कि जिस वक्त रेल लाइन डाली गई तब ये शहर की जरूरत थी, लेकिन धीरे धीरे शहर का विस्तार हुआ और अब वो रेल लाइन शहर के बीचों बीच हो गई है।
40 से 42 साल पहले इसके समाधान को लेकर चर्चा शुरू हुई, लेकिन आज भी ये चर्चा तक ही सीमित है। दरअसल शहर के परकोटे से बाहर कोर्ट गेट से निकलते ही दो रेलवे लाइन है जो शहर को दो भागों में बांटती है। दिन में करीब 56 बार रेलवे फाटक कभी मालगाड़ी तो कभी रेलगाड़ी गुजरने के चलते बंद होता है, जिससे शहर दो भागों में बंटकर रुक सा जाता है। ये कई वर्षों से चली आ रही है समस्या, जिससे काफी लोगों को परेशानी हो रही है। तो आप ये मतलब किसी भी सरकार का आना हो, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, हमें लाभ होना चाहिए और समस्या का जल्द से जल्द समाधान होना चाहिए। दरअसल कोटगेट TM रोड बीकानेर का प्रमुख व्यावसायिक केंद्र है। शहर के प्रमुख बाजार के रूप में बीकानेर का ये 1 किलोमीटर क्षेत्र खरीदारी का केंद्र है। शहर के अंदरूनी क्षेत्र से मुख्य बाजार होते हुए कलेक्ट्रेट सहित तमाम सरकारी कार्यालय इस फाटक को पार करने के बाद ही आते हैं। फाटक बंद होने से कभी बच्चे परीक्षा देने नहीं पहुंच पाते, कभी कर्मचारी समय पर दफ्तर नहीं पहुंच पाते और कभी कभी तो एम्बुलेंस भी फंस जाती है। भीड़ जो है परवश्य हो गई है आम लोगों के लिए, इसका हल अब कोई निकलना चाहिए। जनता को कोई मतलब नहीं है, अंडरपास बने चाहे बाईपास बने चाहे ऊपर बने, इस फाटकों की समस्या से लोग निजात पाना चाहते हैं। इसको राजनीति से ऊपर उठ के आम जनता के लिए आवाज उठाने चाहिए नेताओं को, ताकि आम आदमी को राहत मिल सके। हर चुनाव में रेल फाटक मुद्दा रहता है, समस्या से निजात दिलाने के नाम पर वोट मांगे जाते हैं, लेकिन चुनाव निकलते ही नेता और पार्टियां इस मुद्दे को भूल जाती है। सत्ता गंवाने के बाद बीडी कल्ला एक बार फिर मुद्दे पर हमलावर है, लेकिन बीजेपी विधायक जेठानंद व्यास इसे गंभीरता से नहीं ले रहे। 4 महीने सरकार के आने के बाद इस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है और कुछ लोग बिना अधिकार के अनधिकृत रूप से कहते हैं इसको ऐसा कर दो वैसा कर दो, एलिवेटेड रोड बनाओ, तो उसके लिए बजट तो दो, बिना बजट के कैसे बनेगा। सरकार बदली, मैं MLA बना तो बनते ही मैं इसको लेके कलेक्टर साहब से मिला, तत्काल जो कलेक्टर उनसे मिला, मैंने उनको कहा कि अगर अंडरपास बनता है तो मुझे कोई एतराज नहीं है, लेकिन जो समस्याएं सामने खड़ी है उनका मुझे हल बता दो। कांग्रेस रेल बाईपास की वकालत करती है तो बीजेपी एलिवेटेड रोड के पक्ष में तर्क करती है, लेकिन करता कोई कुछ नहीं। इसीलिए जनता ये मान चुकी है कि नियत सही हो तो दोनों ही पार्टियां चुटकी बजाते समस्या का समाधान निकाल सकती है। पिछले लंबे समय से राजनीतिक दल इस मुद्दे को लेकर राजनीति कर रहे हैं, लेकिन आम जन को इससे कोई फायदा नहीं हो रहा है। देखने वाली बात अब यह होगी कि भाजपा और कांग्रेस में ठनी ये लड़ाई कब रुकती है और आम जन को कब तक इसका फायदा होता है। बीकानेर से न्यूज 18 के लिए विक्रम जागरवाल। और चुरू से बड़ी खबर है, जहां पर महिला को कुल्हाड़ी से काट डाला। होलेरी में 26 वर्षीय महिला पर कुल्हाड़ी से हमला हुआ है। बताया जा